गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। वी आर स्टार्ट यूनिट 4, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन 1। मल्टीप्लाई यूजिंग निखिलम सूत्र। हम क्या करेंगे 4.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके, जो निखिलम सूत्र, निखिलम के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, जिसका बेस होगा 10। फर्स्ट क्वेश्चन, 12 × 9। अब 12 × 9 जब मल्टीप्लाई का सिंबल लग रहा है, आज से पहले हम लोगों ने यही क्या किया है, 12 × 9, इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है। पर ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको निखिलम सूत्र के अकॉर्डिंग करना है। तो ये कैसे होता है मैं आपको बता रही हूँ। निखिलम सूत्र, सबसे पहले हम राइट करेंगे बेस। इसका बेस क्या क्या है, 10 दिया हुआ है। आप DEVITION, डेविशन। अब इसकी डेविशन क्या है, बेस 10 का मतलब होता है 10 से ज़्यादा है, कम है, कितना है। तो इसका देखो क्या दे रखा है आपको, बेस 10 दे रखा है, तो 10 बेस के अकॉर्डिंग आपने वो करना है सॉल्व। डेविशन, डेविशन जो से फर्स्ट आपने 4.3 में किया है, तो 12 इसका क्या होगा, +2, क्योंकि ये 10 से कितना ज़्यादा है, +2। 9 क्या है, -1, क्योंकि ये 10 से 1 कम है, जो कम होता है तो माइनस में आता है, ज़्यादा होता तो प्लस में आता है, -1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग राइट करेंगे, 12 और 9, अप डाउन में इनको राइट करेंगे। अब यहाँ एक एरो का सिंबल बनाएंगे, ओके। अब इसका डिवीजन क्या है, +2, 9 का डिवीजन -1। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक लाइन बनाएंगे। अब ये जो सिंबल होता है, ये इसे बोलते हैं स्लेश। क्या है ये, स्लेश। अब क्या करना है आपको, जब प्लस का होता है तो प्लस के नंबर्स के आगे प्लस का सिंबल नहीं लगाते हैं, जैसे अपन एडिशन भी करते हैं, या जो ये क्वेश्चंस आते हैं डोमास वगैरह से अपन क्वेश्चंस करते हैं ना, ये बेसिक वाले, जैसे प्लस माइनस के आ रहे हैं, 5 + 3 = -3, ये क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखो प्लस के सिंबल, जो फर्स्ट नंबर होता है इसके आगे हम सिंबल नहीं लगाते, क्योंकि जिनके आगे सिंबल नहीं होता ये प्लस का ही है, पर हमने सिंबल नहीं लगाया है। ऐसे ही ये प्लस का है, तो हम यहाँ केवल 2 ही राइट करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल, नेक्स्ट -1, ओके। अब ये -1 को इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्रैकेट। इधर इन दोनों में से आपको क्या करना है, आप कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं। हम फर्स्ट लेंगे, ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं, नंबर 12। अब जब नंबर 12 लिया है तो सामने वाला नहीं लेंगे, सामने वाला नंबर नहीं लेंगे, इसका क्रॉस का लेंगे। क्या लेंगे, क्रॉस। जैसे ये नंबर लिया है तो हम ये लेंगे, इसके बाद अगर ये नंबर लिया है तो क्रॉस वाला लेंगे। क्रॉस में क्या है, -1, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम लगाएंगे स्लेश, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लग रहा है, 2 × 1 = 2। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है। मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, ये आपको नोटबुक के साइड में नोट करना है। मल्टीप्लाई में देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। -× - क्या होता है, ये भी प्लस होता है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस मैंने आपको पहले ये फोर्थ क्लास में करवाया है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब जब माइनस का सिंबल आ रहा है, यहाँ माइनस प्लस भी माइनस होता है, तो आपको इनको ध्यान में रखते हुए सोल्व करना है। अब यहाँ देखो क्या है, 2 × 1 = 2। अब यहाँ क्या है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। तो यहाँ हम सिंबल लगाएंगे माइनस, ये 2 किसका आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, ओके। अब यहाँ 12 - 1 = 11, ये माइनस में आ रहा है, इसको माइनस में हम छोड़ नहीं सकते ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बोरो दे देंगे। अब 1 बोरो देने पे ये क्या हो गया, यहाँ तो 10 हो गया, फिर स्लेश का सिंबल लगाएंगे, यहाँ 10 - 2, डाउन में यहाँ 10,
माइनस होके आ गया 8। यहाँ एक नंबर ही रहता है, अगर दो नंबर आ रहे हैं तो अब वापस अपने को इसको देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ वन नंबर आ रहा है। तो ठीक है, अब विदाउट स्लैश हम इसको राइट करेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं इसका आंसर यहाँ राइट कर रही हूँ। विदाउट स्लैश यहाँ 10 है, उसके पास में 8, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 108। इसका आंसर क्या आ रहा है 108। नॉर्मली अपन मल्टीप्लाई कर दे तो 12 नाइन जा 108, तो ये इस टाइप से होगा। ये क्या होगा, निखिलम सूत्र के अकॉर्डिंग होगा। तो ये नीट एंड क्लीन आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 15 × 12 उसी टाइप से करेंगे, बेस 10, इसका राइट करेंगे बेस 10, डी ई वी आई टी आई ओ एन। डिविशन क्या होगा इसका, बेस 10 है तो जो प्लस में आ रहा है 15 से ज़्यादा क्या है, 10 से ज़्यादा कितना आ रहा है 5, तो प्लस 5। नेक्स्ट प्लस 2, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हम राइट करेंगे यहाँ अप और डाउन में 12 और 15 एंड 12, सामने एरो बनाएंगे। डिविशन क्या होगा इसका, बेस 10 लेके चल रहे हैं तो इसका होगा प्लस 5, 12 का प्लस 2। लाइन बनाएंगे। अब क्या करना है आपको, ये जो सिंबल लगा रही हूँ इसे क्या बोलते हैं, स्लैश। क्या ये किसका सिंबल है, स्लैश का। अब जब मैं अभी मैंने आपको बताया था प्लस के नंबर के आगे प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, माइनस सिंबल के आगे ही लगता है। तो यहाँ क्या है, ये 5, मल्टीप्लाई का सिंबल 2, ओके। नेक्स्ट, अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मैंने ऊपर वाली संख्या ली थी, हम इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाली ली थी, अब मैं आपको चलो नीचे वाला नंबर लेके बता रही हूँ। अब हम लेते हैं 12। जब 12 ले लिया तो इसके सामने वाला नहीं, इसका क्रॉस में जाएगा। 12 का क्रॉस क्या है, प्लस 5। आ रहा है यहाँ तक समझ में, फिर हम लगाएंगे स्लैश। अब मल्टीप्लाई 5 × 2 10, 5 × 2 = 10, प्लस में आ रहा है 5 + 2 = 7, 1 क्या आ रहा है 17 और 10। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ केवल एक नंबर ही रहता है, ये जो टू डिजिट आ रहा है टू डिजिट में नहीं होता है, ये केवल सिंगल ही रहेगा। तो यहाँ टू डिजिट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 इसको दे देंगे। अब 1 इसको देने पे यहाँ क्या हो गया, 18 स्लैश, यहाँ केवल 0। अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ अपने पास केवल 1 डिजिट ही है, यहाँ 2 डिजिट है, सारा सॉल्व हो चुका है। तो हम विदाउट स्लैश राइट करेंगे 18 और 0, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 180। ऐसे 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका यही आने वाला है 180। समझ में आ गया आपको, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, सारे क्वेश्चन नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट डाउन करना है राइट नाउ। यस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 13 × 17, समझ में आ रहा होगा आपको। अब तो बेस इसका है 10 बेस लेके चल रहा है, डी ई वी आई टी आई ओ एन। डिविजन क्या है इसका, अब ये देखो यहाँ क्या है, 10 से कितना ज़्यादा है 3, प्लस 3। नेक्स्ट सेकंड नंबर है प्लस 7, ओके। अब हम अप डाउन में राइट करेंगे 13 और यहाँ 17, एरो का सिंबल बनाएंगे। इसका डिविजन क्या होगा, प्लस 3, इसका होगा प्लस 7। लाइन बनाएंगे, इसे हम बोलते हैं स्लैश, इसे क्या बोलते हैं, स्लैश। अब ये दोनों प्लस के हैं तो अभी मैंने बताया था जब प्लस का सिंबल होता है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 × 7, इनमें से कोई सा भी एक नंबर ले लो, चलो हम 13 लेते हैं, इसका क्रॉस में क्या है 17, प्लस सॉरी 17 नहीं है 7 है, प्लस 7। फिर स्लैश मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 3 × 7 = 21, ये प्लस करेंगे यहाँ 7 और 3 = 10, 10 का 0 1 अप में, 1 + 1 = 2, तो 20 / 21। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को साथ में नहीं रखना है, यहाँ 1 डिजिट ही आता है सिंगल। तो हम क्या करेंगे,
इस टू को इधर दे देंगे, यहाँ क्या बचेगा, केवल वन बचेगा। टू को इधर दे दिया तो यहाँ कितने आ गए, 20 + 2 = 22/1। अब विदाउट स्लेश राइट करेंगे, ये 20, 22 और 1, तो ये क्या आ रहा है, 221। अब देखो अगर हम इनको ये आंसर अब चेक कैसे करना है आपको कि आपका राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनसे नॉर्मली अपना मल्टीप्लाई करते हैं। ये 17 × 13, 3 7 = 21, 1 2 up में 3 1 = 3, 3 1 = 3 × 5, मल्टीप्लाई 1 को 7 से किया 7, 1 को 1 से किया 1, 1 7 और 5 7 + 5 12, 2 and 1 up में 1 + 1 2, मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर आ रहा है 221, यही आंसर आ रहा है, तो ये अपना करेक्ट है। अब आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैंने अभी करवाया आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने करवाया, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। डायरी एंट्री करो आप, क्वेश्चन 4 सॉल्व इन एनवी एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके नॉडू में करना है। 3 क्वेश्चन जो मैंने करवाया है 1, 2, 3, ये भी आपको एक्सरसाइज लगा के नीट एंड क्लीन नॉडू में राइट डाउन करना है, और उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन 4। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 5 से। अगर 4 नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी आपके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।